नीमच जिले में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के चलते जिले के सभी नाले ताल तलैया के साथ ही कुएं लबालब भरे होकर हादसों को न्योता दे रहे हैं। खासकर वे कुएं जो कि सड़क किनारे या आबादी के आसपास होकर बगैर मुंडेर के बने हुए हैं। ऐसे कुएं पिछले दिनों में जिले में चार जिंदगियों को लील चुके हैं, लेकिन अब भी प्रशासन के साथ ही कुएं के मालिक इस ओर लापरवाह नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आगे और हादसे होने की संभावनाएं बनी हुई है। देखिए, जिम्मेदार लोग तो शुरू से हमने देखा है कि मुंह फेर के खड़े रहते हैं। प्रशासन को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि कहां पर क्या है, तो उनको बंद करवाए, क्योंकि हादसे तो आए दिन होते रह रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ोतरी होती रह रही है इनमें। तो मेरा मानना यह है कि प्रशासन को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। बात है कि अगर खुली मुंडेर होगी तो हादसा आसानी से हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे खेलते तो उन्हें थोड़ी मालूम कि ये गड्ढा है या है, तो वो तो डायरेक्ट उसमें गिरते हैं और उसमें कोई ध्यान दे नहीं पड़ता। और हादसे बघाने में है, चाहे नीमच सिटी में या कहीं कई सारी जगह हमने देखा ही है कि हादसे हो ही रहे हैं। बारिश में तो पूरे लबालब भरे रहते हैं, जिससे ये मालूम ही नहीं पड़ता आम आदमी को कि जो राहगीर है कि ये कुआ है या फिर एक खाली गड्ढा मात्र है। तो मेरा मानना है इन चीज़ों पे सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इनको बंद करवाना चाहिए। सर, वो जहाँ पर गड्ढे थे शुरू में, वहाँ पर जिन जिन्होंने मकर मार लिए वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो गड्ढे हैं उन पानी भरा हुआ, निकलने का रास्ता भी नहीं है और पानी में होकर निकलना पड़ता है। अब दिन भर बेचारे गरीब लोग काम पे जाएंगे कि वहाँ बच्चे बच्चे के ध्यान रखेंगे। अभी चल रही है तो लड़की की लाश मिली फिर रात को 11 बजे, तब पता चला कि लड़कियाँ डूब के मर गई। और लड़की जहाँ मरी वो उनके घर के जस्ट पास में तालाब है, खड्डे हैं, वो पानी भरे हुए हैं। और लड़का मिला फिर आज सुबह 6 बजे उस साइड खड्डे में मरा हुआ, और लड़का है 12 साल का, लड़की है 5। गड्ढे खोद रखे हैं तो लापरवाही तो वही हो रही। अब बेचारे ये कहाँ जाएँ, अब पानी में होकर निकलना पड़ता है। आसपास में पानी है तो बच्चे कम से कम खेलने कूदने जाएंगे ना। ये गरीब लोग बेचारे कहीं काम पे जाएंगे कि वहाँ बच्चे बच्चे की ध्यान रखेंगे। जो लोगों के गांव में जो कुएं खुली मुंडेर वाले हैं और जिनकी मुंडेर टूटी हुई है, तो उन को ग्राम पंचायतों के माध्यम से एक मैसेज भी संदेश भिजवाया है कि वो अपनी मुंडेर ठीक करा लो और एक ऐसा कोई चिन्ह बनाए कि अगर वो मुंडेर टूटी हुई तो किसी को दूर से उसको प्रदर्शित हो जाए। ग्राम पंचायत और अन्य जो है आप सभी ग्रामीण जनों के सहयोग के माध्यम से इस और कदम, बिल्कुल बारिश अगर अधिक हो रही है तो उसको देख ले कि अगर बारिश अधिक है और पानी का बहाव अधिक है तो वो तालाबों के पास में नहीं जाए। ग्रामीण जनों से भी हम अपील करते हैं कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें।